अस्सलामु अलैकुम। नारे भुट्टो। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैंने पिछले चंद महीनों पूरा पाकिस्तान का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इंतखाबी मुहिम है, पाकिस्तान भर में चला रहा था। पख्तूनख्वा के पहाड़ों से लेके पंजाब के वादियों से, बलूचिस्तान से, रेगिस्तान से होते हुए सिंध के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए ये काफिला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चारों सूबों में हमने इलेक्शन मुहिम चलाए और हम पाकिस्तान के अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया, मेरे साथ दिया और एक बार फिर साबित कर लिया है कि चारों सूबों की जंजीर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब इलेक्शन में मुझे मौका नहीं मिला कि मैं अपने थट्टो के अवाम से आपके पास आके कोई जलसा करूं, तो इसलिए अब इलेक्शन जीतने के बाद हमने ये फैसला किया कि हम थट्टा में जश्न मनाएंगे। साथियों, मैं ये इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहा था कि मैंने, मेरा कोई जिद था कि मैंने उस कुर्सी पे, इस्लामाबाद का कुर्सी पे बैठना है। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ा तो आपके लिए लड़ा, मेरे भाइयों के लिए, मेरे बहनों के लिए, और वो इसलिए कि पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान है, एक जमहूरी, एक सियासी बहरान है और हमारे पूरे मुआशरे को तकसीम किया गया है। तो मैं इसलिए लड़ रहा था कोई ऐसा जमात हो, कोई ऐसा सियासतदान हो जो अपने मसले पे नहीं बात करते मगर पाकिस्तान के अवाम का मसाइल के बारे में बात करे। मैं इसलिए इलेक्शन में लड़ रहा था और जगह जगह जाके इसी बात पे जोर देता था कि पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, तारीखी सतह पे, और होना ये चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, तमाम सियासी जमातें अपनी जाती मुफादात के बजाय पाकिस्तान के अवाम का मफाद के बारे में सोचे। अफसोस की बात यह है कि बाकी सियासतदान मुझसे उम्र में तो बड़े हैं मगर वो अपने लिए सोचते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते। और नुकसान इसका मुझे नहीं हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान के वफाक को हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान के चारों सूबों के हो रहा है और सबसे भरकर इसका नुकसान पाकिस्तान के गरीब अवाम को हो रहा है।
साथियों, ये इलेक्शन तो कुछ ऐसे निकले हैं कि तमाम सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं, तमाम सियासी जमातें जीते या हारे वो एहतजाज कर रहे हैं। अब इस माहौल में पाकिस्तान कैसे चलेगा? ये माहौल रहा तो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से कौन निकालेगा? मेरे थट्टों के अवाम को रोजगार कौन दिलवाएगा? ये मेरा ख्याल में तीन किस्म के सियासी जमातें हैं। एक वो जो धांधली की वजह से जीतते हैं, और आज से नहीं, आज से नहीं, आप तो मेरे गवाह हो, आपको मालूम हो, कुछ ऐसे शक्लें हैं पाकिस्तान की सियासत में जो तानली के बगैर नहीं जीत सकते, वो भी आजकल एहतजाज कर रहे हैं। कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो तानली के बजाय फिर भी नहीं जीत सकते, वो आप पहचानते हैं उनको, वो भी आजकल एहतजाज कर रहे हैं कि धांधली हुआ मगर ना काफी था, और कर देते, मेरे भी सीट दे देते। और तीसरी वो जो धांधली के बावजूद जीत जाते हैं, वो आप हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। अब आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है धांधली का और फॉर्म 45 का। अब मेरे पास ऐसे भी फॉर्म 45 हैं जहां मेरा फॉर्म 45 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत चुका है, मगर ऐलान तो कहीं मुस्लिम लीग नवाज का हुआ है, तो कहीं मुतहदा कौमी मूवमेंट का ऐलान हुआ है। हाथ में मेरे पास वो फॉर्म 45 है जहां आप जीते हो। एक ऐसा जगह है जहां फॉर्म 45 में मेरा जियाला जीत चुका है, मगर एंड में आखिर खान साहब की आजाद उम्मीदवार को जितवाया गया है। अब इस पे मैं क्या करूं? मैं इस मुल्क को मजीद तकसीम कर लूं? मैं अपना ही घर को आग लगा दूं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है? तो मैं एहतजाज करता हूं, मैं सर तोड़ता हूं, मैं पता नहीं क्या क्या। इसका नुकसान अगर मैं ये फैसला लेता तो नुकसान वफाक का, नुकसान जमहूरियत का, और सबसे भरकर नुकसान आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि मुल्क भर में जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के, टिकट होल्डर्स के शिकायतें हैं, हम वो शिकायतें जमा कर रहे हैं, और फिर उन शिकायत को जमा करके हम अप्रोप्रिएट फोरम्स पे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो आला अदलिया हो, और चाहे वो पार्लियामान का कोई पार्लियामानी कमेटी हो, हम अप्रोप्रिएट फोरम्स के जो सिस्टम के जमहूरी निजाम में जो फोरम्स है उसके सामने अपनी शिकायतें पेश करेंगे। अगर वहां से हम नाकाम रहे, वहां हमारा
जो बात है वो समझा नहीं जाता, फिर मैं आपके पास आ सकता हूं और कह सकता हूं कि चले हम एहतजाज करें। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि मुझे इस इलेक्शन रिजल्ट्स के मुताबिक वो हक नहीं है कि मैं अपने आप को वज़ीरे आज़म का उम्मीदवार नामजद करूं। तो हमने ये फैसला किया है कि जब हमें ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जल रहा है, चारे सूबों में इस वक्त एक आग लगा हुआ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि हमने उस आग को बचाना है। हमने एक बार फिर पाकिस्तान खपे का नारा उठाना है, खपे खपे पाकिस्तान खपे। हम ना कोई वफाकी वजारत चाहते हैं, ना वजीरे आजम का कुर्सी चाहते हैं। हम इतना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल कर सके। हम चाहते हैं कि जो सुबह सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन हैं, उनको हमें हक, उनको उनका हक दिलवाना पड़ेगा। उनको जो पिछले चंद महीनों से, चाहे वो हमारे सिंध के सैलाब मुतासरीन हो या बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन हो, वो लावारिस है। उनका घर टूटे हुए हैं, उनका नुकसान हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला अगर किसी को वज़ीरे आज़म का वोट हमने देना है तो उनसे हम बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए उनका हक दिलवाएंगे इंशाल्लाह ताला।